हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रिक। आज हम लोग फ्रंट एक्सेल के बारे से देखेंगे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हम लोग पावर ट्रांसमिशन पावर को कैसे जनरेट कर रहे हैं और वहां से कैसे पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है चक्कों तक। तो ये सारे चीज़ जो फंक्शंस हो रहे हैं उसके लिए हर एक डिवाइसेस वहां पर जो लगे हुए हैं उनका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज हम लोग फ्रंट एक्सेल के बारे से देखेंगे, उस फ्रंट एक्सेल का काम क्या होता है और वो कैसे यहाँ पर फंक्शन करता है। तो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जो फ्रंट एक्सेल होता है वहाँ पर जनरली हम लोग किसको फिक्स करते हैं, सामने के पहियों को या फिर सामने के रोड व्हील को हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर फिक्स करते हैं। फ्रंट एक्सेल का मेन काम होता है जो रियर व्हील के थ्रू ड्राइविंग थ्रस्ट को या फिर ड्राइविंग पावर को कहाँ तक, सामने के पहियों तक ट्रांसमिट करने का काम करता है, उसे हम लोग बोलते हैं फ्रंट एक्सेल। फ्रंट एक्सेल का काम क्या होता है, रियर व्हील के द्वारा दिए गए ड्राइविंग थ्रस्ट को कहाँ तक, रोड व्हील तक या फिर व्हील तक ट्रांसमिट करने का काम करता है, ठीक है। और जो सामने की तरफ जब ड्राइविंग थ्रस्ट दिया जाएगा तो जब सामने के चक्का चलेंगे तो उसके साथ क्या होगा, रोड की जो उबड़ खाबड़ जगह है या फिर असमतल जगह जिसको बोला जाता है, तो उसके वजह से क्या होगा, रोड रेजिस्टेंस होगा। रोड रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, उसमें एक स्ट्रेस डेवलप होता है। तो उस स्ट्रेस को लेने के लिए, उस शॉक्स को लेने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, फ्रंट एक्सेल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग ऐड कर सकते हैं कि रोड की जो स्ट्रेस है, स्ट्रेसेस को लेने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, फ्रंट एक्सेल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर फ्रंट एक्सेल का कुछ डायग्राम दिए गए हैं। फ्रंट एक्सेल में एक बीच में रहता है जिसको बोला जाता है स्प्रिंग सीट। यहाँ पर दो स्प्रिंग सीट रहेगा और बीच के ये वाले भाग पोर्शन को बोला जाता है फ्रंट एक्सेल का बीम कहलाएगा पूरे सेक्शंस का, और ये जो लास्ट सेक्शन है इसको बोला जाता है फोर्क। फोर्क है दोनों साइड में। तो चलिए इसको एक एक करके हम लोग डिफाइन करते हैं। तो जो फ्रंट एक्सेल का बीम होता है, यहाँ पर बीम के बारे से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं पेपर में कि जो फ्रंट एक्सेल का बीम होता है उसका क्रॉस सेक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो फ्रंट एक्सेल का जो क्रॉस सेक्शन होता है, अगर हम लोग इसको 20 से कटिंग कर दें, कटिंग करना मतलब क्रॉस सेक्शन, हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि उसको जब काट के देखें, तो कटिंग करेंगे, कटिंग प्लान है ए से ए डेज तक, जब इसको हम लोग कटिंग करेंगे तो ये कौन से सेक्शन के होते हैं, आई सेक्शन के बनाए जाते हैं। फ्रंट एक्सेल का बीम कौन से सेक्शन के बनाए जाते हैं, आई सेक्शन से बनाए जाते हैं। बीम आई सेक्शन के बनाए जाते हैं, ठीक है, आई सेक्शन से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ये जो आई सेक्शन बनाने का मेन मकसद क्या है, हम लोग तो इसको दूसरे रूप में भी बना सकते हैं, बट जो फ्रंट एक्सेल होता है उस पर हमेशा कौन सा फोर्स काम करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, ठीक है। और स्ट्रेस होने की वजह से ज़्यादा वो लोड को लेने के लिए हम लोग आई सेक्शन का बनाते हैं। अगर दूसरे सेक्शन का, जैसे राउंड सेक्शन का अगर उसको बना देंगे, तो वहाँ पर अगर राउंड सेक्शन रहेगा तो राउंड सेक्शन जो बनाते हैं वो जनरली कौन से फोर्स को लेता है, रोटेटिंग फोर्स को लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर रोटेटिंग फोर्स तो लग नहीं रहा है यहाँ पर, तो इस कंडीशन में कौन सा फोर्स को लेगा, सिर्फ और सिर्फ लोड को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोड को वो क्या कर सके, ले सके, जो पूरे व्हीकल्स का लोड उस पर लग रहा है तो वो सारे लोड्स को क्या कर सके, वो सहन कर सके, ऐसे उसको उस सेक्शन से बनाया जाता है। तो जनरली यहाँ पर जो फ्रंट एक्सेल का बीम होता है उसको आई सेक्शन से बनाया जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ इंजन के लोड कैपेसिटी के अनुसार, लोड के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है, लोड के लिए
डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो स्प्रिंग सीट से फोर्क तक का एरिया, स्प्रिंग सीट से फोर्क तक का एरिया को अगर हम लोग कटिंग सेक्शन देखेंगे तो इसको जनरली राउंड या फिर इलेप्टिकल सेक्शन का बनाया जाता है। स्प्रिंग सीट से, स्प्रिंग सीट टू फोर्क का जो सेक्शन होता है वो रहता है राउंड सेक्शन या फिर उसको इलिप्टिकल सेक्शन के बनाए जाते हैं। ठीक है, राउंड सेक्शन या फिर इलिप्टिकल सेक्शन के बनाए जाते हैं। राउंड या फिर इलिप्टिकल सेक्शन यहां पर बनाने का मेन मकसद होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्स और रोटेटिंग फोर्स को, टॉर्शनल फोर्स, ठीक है, इसके द्वारा जब पीछे से ड्राइविंग थ्रस्ट दिया जाएगा तो उस पर क्या होगा, टॉर्शनल फोर्स जनरेट होगा। तो उस टॉर्शनल फोर्स को बेयर करने के लिए हम लोग कौन से सेक्शन के बनाते हैं, उसको जनरली राउंड सेक्शन या फिर एलिप्टिकल सेक्शन के बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो एक्सेल है, फ्रंट एक्सेल, फ्रंट एक्सेल के दोनों साइडों पर फोर्क बना होता है और फोर्क का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, स्टब एक्सेल को होल्ड करने के लिए, स्टब एक्सेल को होल्ड करने के लिए हम लोग जनरली किसका उपयोग करते हैं, फोर्क का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये मतलब कि फोर्क के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्टब एक्सेल है उसको हम लोग फिक्स करते हैं फोर्क पर। तो दोनों चक्के, अब कोई भी व्हील है तो उसमें दो चक्के रहेंगे फ्रंट में, तो दोनों चक्के में क्या करते हैं, दोनों साइड के दो जो फोर्क हैं उसमें हम लोग स्टब एक्सेल को लगाने के लिए हम लोग फोर्क का उपयोग करते हैं। स्टब एक्सेल का काम क्या होता है, स्टब एक्सेल के साथ ही यहाँ पर रोड व्हील को लगाया जाता है। तो यहाँ पर फोर्क या फिर फ्रंट एक्सेल और स्टब एक्सेल को कनेक्ट करने के लिए जनरली यहाँ पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं, किंग पिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फोर्क और स्टब एक्सेल या फिर फ्रंट एक्सेल और स्टब एक्सेल को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, किंग पिन का उपयोग किया जाता है। अगर एंसर में अगर किंग पिन नहीं दिया है तो वहाँ पर आप क्वार्टर पिन को भी लगा सकते हैं, किंग पिन या फिर क्वार्टर पिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्टब एक्सेल, स्टब एक्सेल को हम लोग जनरली कहाँ पर फिक्स करते हैं, फोर्क पर, और स्टब एक्सेल के साथ हम लोग ड्राइविंग व्हील या फिर रोड व्हील को फिक्स किया जाता है। यहाँ पर जो हम लोग फ्रंट एक्सेल यूज़ कर रहे हैं उस पर इंजन का पावर ट्रांसमिट नहीं किया जाता, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो फ्रंट एक्सेल पर पावर ट्रांसमिट नहीं किया जाता, इंजन का पावर ट्रांसमिट नहीं किया जाता। नहीं किया जाता, ठीक है। सेम टू सेम एक और आता है लाइफ एक्सेल। लाइफ एक्सेल क्या होता है, ऐसे ही रहेगा फ्रंट एक्सेल के जैसे ही। तो लाइफ एक्सेल के साथ हम लोग क्या करते हैं, इंजन के पावर को ट्रांसमिट किया जाता है उस पर, मतलब उसको हम लोग ड्राइविंग शाफ्ट रखेंगे या ड्राइविंग व्हील रखेंगे उस पर। ठीक है, जो एक्सेल रहेगा वो ड्राइविंग एक्सेल रहेगा। तो लाइफ एक्सेल का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, उस पर इंजन के पूरे पावर को ट्रांसमिट किया जाता है और उससे हम लोग टायर को या फिर व्हील को हम लोग पावर देते हैं, तो इसलिए उसको हम लोग ड्राइविंग व्हील या फिर लाइफ एक्सेल के नाम से जाना जाता है। और वो जनरली आई सेक्शन या फिर ट्यूबलर बॉक्स, ट्यूबलर के सेक्शन के बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक और देख लेते हैं, जो जनरली फ्रंट एक्सेल होता है वो फ्रंट एक्सेल का मटेरियल जनरली इसको स्टील से बनाया जाता है, स्टील के या स्टील से बनाया जाता है। यहाँ पर दो पॉइंट दिए गए हैं, स्प्रिंग सीट
यहाँ पर स्प्रिंग सीट पर मतलब फ्रंट एक्सल के बीम पर बने स्प्रिंग सीट का उपयोग क्या होता है? तो यहाँ पर जनरली जो आप लीफ स्प्रिंग वगैरह यूज़ करते हो, लीफ स्प्रिंग या फिर शॉक एब्जॉर्बर जो यूज़ करते हो, जो झटके को चेसिस फ्रेम तक जाने से रोकता हो, उसको स्थान देने के लिए, स्प्रिंग को स्थान देने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? स्प्रिंग सीट का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर दो स्प्रिंग सीट दिए जाते हैं, दोनों साइड या तो लीफ स्प्रिंग या फिर शॉक एब्जॉर्बर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वाइल स्प्रिंग हो या तो लीफ स्प्रिंग हो, ज़्यादा हैवी है तो उसको लीफ स्प्रिंग की सहायता से उसको क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वॉचिंग द फुल वीडियो। थैंक यू सो मच।